श्री राम समर्थ सितंबर 19। भगवान के होकर ही काल के परे जा सकते हैं। हमारे जीवन का लगातार विकास हो रहा है, अतः हम आज जहां हैं इससे पीछे कल थे और आज जहां हैं इससे आगे कल होंगे। यह यद्यपि सही है, फिर भी यदि हमें आज जो करना चाहिए वह न करें तो हो सकता है कि कल और भी पीछे जाने की नौबत आ जाए। हमारा आगे का जन्म आज के इस जीवन से ही निर्मित होता है, अतः हम आज अच्छे रहे तो अन्ते या मति ही सा गति ही। इस नियम के अनुसार हमारा आगे का जन्म भी अच्छा ही होगा। काल मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, बीते कल का, आज का और आने वाले कल का। जो काल बीत गया है वह हम चाहे जो करे वापस नहीं आएगा, अतः हम उसकी चिंता न करें। किसी के घर में यदि मृत्यु हुई, हम उसके संबंधियों को कहते हैं, अरे अब जो बात हो गई सो हो गई, अब उसका दुख न करना ही अच्छा, अब रोने धोने से क्या लाभ। तो यह जो हम लोगों से कहते हैं वैसे हम स्वयं बरतने का प्रयत्न करें। विवेक के द्वारा बीते को भूला जा सकता है, उसी तरह आगे क्या होगा यह हम नहीं जानते, इसलिए उसकी भी चिंता न करें। आज का अपना कर्तव्य करने के बाद जो होना हो वह होगा ही, अतः स्वस्थ रहे, बीते की याद न करें, या जो हो गया है उसका दुख न करें, और कल की या आगे आने वाली बातों की चिंता न करें। अभी हम काल के परे नहीं जा सकते और काल के परे गए बिना हमें भगवान मिलेंगे नहीं, ऐसी हमारी अवस्था है। संसार में बनाव बिगाड़ लगातार हो रहे हैं और हमारी बेचैनी कायम है। हमें जो तिलमिलाहट होती है, जो बेचैनी होती है, वह हमारे अधूरेपन के कारण, हमारी अपूर्णता के कारण होती है। किसी भी मनुष्य का जन्म हुआ कि भगवान को आनंद होता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सत्य स्वरूप जाने यह भगवान की इच्छा है और यह केवल मानव जीवन में ही हो सकता है। इसलिए हर आदमी यह ध्यान में रखे कि भगवान हमारी समझ में आ सकता है, अर्थात भगवान का पूर्ण ज्ञान हमें हो सकता है। इसलिए हम में भाव, इच्छा, आकुलता, आंच मन में उत्पन्न होनी चाहिए। बहुत अच्छा भोजन बनाया और नमक डालना ही भूल गए तो क्या फायदा। विभक्तता का ही भाव यदि रखे तो भजन अच्छा हुआ, यह कैसे कहा जा सकता है। भक्ति के 9 मार्ग बताए गए हैं, उनमें से किसी एक का ही यदि पूर्ण भाव पूर्वक परिशीलन करे तो उसमें बाकी के 8 मार्ग आ ही जाते हैं। हम जो समझ गए हैं उसे अपने आचरण में उतारे, यही सच्चा श्रवण है। जो हमारे रक्त मांस में घुल मिल जाता है और रोज के आचरण में लाया जा सकता है, वही सच्चा वेदांत है। और हम अपना कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण करते रहे, यही सारे वेदांत का सार है। आज का मुख्य विचार, वेदांत हर रोज के आचरण में लाना चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।